यार शायान ने हमें अभी बताया कि ईगल उड़ गया चाचू। ओ शिट यार, ये क्या किया इसने, उड़ गया भाई ईगल। सही कह रहा था वो। क्या मतलब यार उड़ गया, ऐसे कैसे? छत से अभी ये नीचे आया दोस्तों। नीचे गया। हाँ ये कैसे हुआ है, कैसे हुआ है? तुमने किया? सही से बताओ किसने किया ये? पिजन ने। छत पर अभी आया हुआ पिजन ने किया। यार शयान ने पिंजरे को गिरा दिया और सारा पिंजरा खुल चुका है। अब हमारा ईगल भी चला गया यार, पता नहीं उस दरख्त पर बैठा होगा, पता नहीं कहाँ होगा सितैन। यार इतना अच्छा पिंजरा लाए थे हम इतना दूर से, देखो हालत देखो यार। तो दोस्तों हम पर्दों पर देख लेते हैं कि कहीं बैठा तो नहीं हुआ ईगल। यहाँ पर तो हमारे कबूतर हैं और यहाँ पर भी कोई ईगल नहीं बैठा, ना ही सामने है, कहीं भी नहीं है यार ईगल। यार मैंने हर जगह देख लिया, ईगल कहीं नहीं बैठा। तो जंगली था वो अपनी आएगा, जंगली ईगल है ना, उड़ गया हुआ अपनी जगह पे वापस चला गया। यार हमारा मिशन था इसको टेम करना, लेकिन टेम होने से पहले बेचारा चला गया, अपनी जान छुड़वा गया हमसे। लेकिन हमारे माइंड में ये भी था कि अगर ये एक हफ्ते तक टेम नहीं होता दोस्तों तो हम इसको आज़ाद कर देंगे, मतलब इसको हमारी आदत नहीं होती तो हम इसको आज़ाद कर देंगे। लेकिन बस नसीब में यही लिखा होगा ईगल की कि इस तरह से इसने अचानक निकलना है। तो मैं अब नीचे जाता हूँ और ईगल तो चला गया भाई, अब तो वापस आ नहीं सकेगा, कबूतर तो है नहीं कि वापस आ जाएगा। लेकिन कोई नहीं यार, उसका यही नसीब में लिखा हुआ होगा। सितैन भाई इसको सेट करो तुम, ठीक है? ये पिंजरा तो अब खाली हो गया, हम स्पेशल ईगल के लिए लेकर आए थे, अब इसमें कोई और चीज रख लेते हैं। इसके अंदर वो रख सकते हैं, मिट्ठू को रख सकते हैं, बिल्कुल फिट लगेगा इसमें, मतलब प्यारा भी लगेगा। और ये वैसे उसके लिए था भी नहीं, वो वैसे भी तंग हो रहा था वो इसमें। तो हमने सोचा दोस्तों कि हम इस ईगल के घर में मिट्ठू को रख लेते हैं, मिट्ठू इधर खुश रहेगा, खुला पिंजरा है, आराम से यहाँ पर रह सकेगा। और हमारे लव बर्ड भी दोस्तों अभी तक उसी पिंजरे में है जो कल हमने शिफ्ट किया था ना, लव बर्ड को छोटे पिंजरे में, उसी पिंजरे में है, तो उनको भी अभी सेट करेंगे। आप रो रहे हो, इधर देखो क्या हुआ है। कोई बात नहीं, उड़ गया, खैर है, फिर हम नया ले लेंगे, ठीक है? फिर और ले लेंगे ना नया हम ईगल, ठीक है? रोते नहीं होते। इसमें मिट्ठू को डालते हैं, उससे पहले क्या करना है, कबूतर खोल देते हैं। यार आ जाओ भाई आ जाओ। यार ये पहली दफा हुआ है हमने कबूतर खोले और वो बाहर नहीं आ रहे, पता नहीं क्या मतलब, डर रहे हैं, क्या वजह है इसकी मुझे नहीं समझ नहीं आ रही। ओए होए होए, इनमें यार हम कल लेके आए थे सारे कबूतर जो हमने आज़ाद किए थे, इनको यहाँ पे रख देते हैं और जल्दी से इनको करते हैं शिफ्ट। तो हमारे लव बर्ड का दोस्तों घर वापस सेट हो रहा है। हम तीन दफा गए मार्केट तुराब, लेकिन हमें एक दफा भी याद नहीं आया कि हमने इनके लिए फीमेल लानी है। यार बस वो जहन में नहीं आया, लेकिन चल अब जल्द हम इन दोनों के लिए फीमेल। हाँ, अब जब भी चक्कर लगेगा ना हम लेके आएंगे। यार ये बहुत कम काटते हैं। अच्छा यार इसको क्या हो गया तुराब, रिलैक्स हो रहा होगा शायद। तो दोस्तों अब बारी है हमारे लव बर्ड्स को खाना डालने की, तो जल्दी से हम इनको इनके खानों में जो इनके बर्तन बने हुए इनमें ये डाल लेते हैं। सितैन जल्दी लेकर आओ। तो हर इसमें का भाई मेन्यू है भाई आज तो। भाई ये वाला बीज पता नहीं कौन सा है, ये अभी मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, उन्होंने बोला ये तोते बहुत शौक से खाते हैं। ये बर्तन आगे करो, ये सूरजमुखी होगी, ये रख लो, बाकी लेकर आओ। मिट्ठू को शिफ्ट करने की, तो मैं मिट्ठू को बाहर लेकर आता हूँ। इस पिंजरे में यार बहुत अच्छा लगेगा हमारा मिट्ठू। यहाँ पर ठीक है ये, मतलब कि मसला तो नहीं हो रहा था इसको? यहाँ पर तो वैसे ठीक है मिट्ठू, उसके लिए काफी है ये पिंजरा, लेकिन ये ज्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत है और खुला भी है, अच्छा लगेगा फिर इस मिट्ठू को। इधर आ जाओ मिट्ठू, मेरे पास आओ, काटना नहीं, काटना नहीं, काटना नहीं, आ जाओ, कुछ नहीं करता यार मैं आपको, कुछ नहीं करता। देखो ये उड़ नहीं पाता, वो यहाँ पर छुपा हुआ है, ये देखिए, निकालो तो आप जल्दी इसको। हाँ निकल गया, निकल गया। चलो भाई इधर से, इधर से भाई, क्या हो गया फिर, सांप थोड़ी है। जाओ मिट्ठू, जाओ 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 जाओ, वेलकम टू द न्यू होम। और शुक्र है और बहुत प्यारा घर है यार मिट्ठू का। ईगल तो आजाद हो गया, लेकिन मिट्ठू यहाँ पर खुश रहेगा इंशाल्लाह। दोस्तों आपको मिट्ठू का घर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो
तो हम यहाँ पर रख देते हैं मिठू को। तो मिठू तुमने आज से यहाँ पर रहना, ठीक है, अपना ख्याल रखना और जल्दी से बड़े हो जाओ यार, थोड़ा सा उड़ना भी शुरू कर दो। भाईजान मुबारक हो, इसने नए घर में भी खाना शुरू कर दिया है तो ये टेंशन भी अब खत्म हो गई। तो यार माशाल्लाह हमारे मास्टर केज में जो जो चिक्स हैं वो भी बड़े होते जा रहे हैं, मेरी नजर आज ही इनके ऊपर पड़ी है। देखें दोस्तों ये जो हमें गिफ्ट मिले थे ना, ये माशाल्लाह ग्रोथ बहुत अच्छी कर रहे हैं। इनके पैरों पर बाल देखें बहुत बड़े बड़े आ चुके हैं, इस वाले पर भी और उस वाले पर भी। माशाल्लाह दोस्तों अल्लाह करे यार ये पेयर हो, मेल फीमेल हो, बहुत मजा आ जाएगा। तो सारे दोस्तों परिंदे आ गए हैं नीचे, अब ये आराम से खाना खाएंगे और अपने बच्चों को फीड कराएंगे। तो इनको हम डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करते, इनको आराम से खाने देते हैं दोस्तों और हम चलते हैं बाहर अपने कबूतरों के पास और उनको खुराक डालते हैं। ओके बाय बाय। यार इधर भी डाल दिए तो आपने, और देखें सारे परिंदे एक साथ आ गए हैं। और ये मौका कभी कभी देखने को मिलता है, तो ये खाने के टाइम ये इकट्ठे होते हैं, वैसे तो अपने अपने जगह पर होते हैं, अभी तो सारे एक साथ हो गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कबूतर, मुर्गियां और तो और खरगोश भी अभी इधर फिर रहा था। तो यार रैबिट्स को मैं ही डाल देता हूँ क्योंकि ये बाहर नहीं आ रहे, तो एक काम करता हूँ मैं खुद ही डाल देता हूँ इनको, यहाँ पर ये खाते होते हैं तो ये उठा के दाना ही डाल लेता हूँ मैं ऐसे। ये देखें ये भी आ रहे हैं खाने के लिए, मेरे ख्याल में यार सारे भूखे थे, यानी कि रैबिट्स भी और बाकी परिंदे भी। तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ बाकी के रैबिट्स तक आके खा सकें। और ये हैं दोस्तों हमारे जंगली कबूतर जो हमने कल आजाद नहीं किए थे, उनमें से दो बच गए थे। हम इनकी टेक केयर तो दोस्तों कर रहे हैं, अल्लाह करेगा यार ये पल जाएंगे। और देखें इसका अभी पर ठीक नहीं है, यहाँ से इसने छलांग मारी और नीचे फौरन गिर गया, उड़ नहीं पा रहा बिल्कुल भी। तो इंशाल्लाह यार ठीक हो जाएगा ये सिपटैन, इसको यार सही से हमने पालना है ताकि फिर हम इनको आज़ाद कर पाएं। तो दोस्तों ये देखें ये फिर गिर गया यार, यही मसला है इनके साथ, इस कबूतर के साथ भी यही मसला है। देखिएगा ये अब जंप मारेगा और लेकिन ये गिर जाएगा, सही नहीं उड़ पाएगा। ये देखिएगा ये गिर गया, ये ऐसे हो रहे हैं यार। तो इनको हम बाहर नहीं छोड़ सकते, जो ही छोड़ेंगे कोई इनको चील उठा के ले जाएगी या कोई बिल्ली इनको पकड़ लेगी। तो अभी दोस्तों हम इनको मास्टर केज में ही रहने देंगे। तो और सिपटैन चलो यार, बाकी सारे तंग हो रहे हैं, इनको खाना खाने देते हैं। तो खैर यार ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल शहर में दयात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।